अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो चलिए, हैव यू अर्न योर टुमारो, जो पोएम हम पढ़ रहे हैं 2.4 ट्वेल्थ क्लास की, उसका हम ब्रेन स्टॉर्मिंग यानी एक्टिविटीज़ सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों, डिस्कस विथ योर फ्रेंड हाउ शी और ही स्पेंट द होल डे दैट वॉज बेनिफिशियल फॉर अदर्स। ये एक जस्ट एक पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप का क्वेश्चन है, जिसमें आपको ये डिस्कस करना है आपके फ्रेंड से कि आपका पूरा जो दिन है वो आपने दूसरों के बेनिफिट यानी फ़ायदे के लिए कैसे यूज़ किया। ओके, सो आप उनसे कह सकते हैं कि टुडे आई हेल्प्ड अ स्टूडेंट, आई हेल्प हिम इन फिलिंग अप हिज एग्ज़ाम फॉर्म। ओके, या आप कह सकते हैं टुडे आई हेल्प्ड माय नेहबर एंड आई फिल अप हिज हज कमिटी फॉर्म। ओके, या आई हेल्प माय नेहबर इन हिज डॉटर्स वेडिंग फंक्शन। ओके, आई हेल्प माय सिस्टर इन फिलिंग हिज एग्ज़ाम हर एग्ज़ाम फॉर्म। आई हेल्प माय मदर इन किचन इन हर कुकिंग। I help an old man crossing over the road. Yes, I participate in blood donation camp. Okay. So, lot of works are there. You can spend your whole day in lot of good works. Okay. तो आप यहाँ पे जो भी आप अच्छा खुद से लिखिए, सिंपल इंग्लिश में लिखने की कोशिश कीजिए। These personal responses are always a part of your question paper. Okay. Next क्या है? Was it well or sorely spent? है ना ऐसा? Explain the meaning and give illustration. हमने आपको बताए थे कि well और sorely दोनों भी antithesis हैं. क्या तुम्हारा वो दिन well यानी अच्छा गुजरा या sorely meaningless? बुरा गुजरा, है ना? और एस और एस से एलिट्रेशन भी था, तो इस लाइन का क्या मतलब है? क्या ये दिन तुम्हारा अच्छा गुजरा या ख़राब गुजरा, है ना? तो यहाँ पे द पोएट इज़ आस्किंग द रीडर अगेन एंड अगेन दैट इफ़ ही और शी स्पेंट ईच डे वेल और वेस्टेड इट। मीन्स we all are busy with our own lives, okay? We act for our own benefit. So the poet inspires us to be mindful and must be of use. So the poet prompts us to speak kindly and unselfishly help at least one fellow human every day. The message is there that we should at least help one human being every day. The poet asks, if you have made one person happy, some stranger who had lost all hope and to find out some hope again, so he will speak well of you. Is someone grateful to you at the end of each day? This is the explanation of the line. That you spent the day well or not. Okay, come to the next. As you close your eyes in slumber, do you think that God would say? यहाँ पे जैसे ही तुम सोने जाओगे, अपनी आँखें बंद करोगे, तो तुमको लगता है कि खुदा तुमसे कहेगा कि have you earned one more tomorrow by the work you did today? कि आज जो अच्छा काम तुमने किया है, इस पर तुमको कल वो एक अच्छा कल वो अता करे। एलाबोरेट, वजाहत कीजिए द आइडिया एक्सप्रेस्ड इन दिस लाइंस, है ना? क्या आइडिया है इसमें? कि आस्क योरसेल्फ इफ़ यू हैव मेड ए डिफरेंस टू एनीवन। कि हमको ये पूछना है कि हमने किसी के लाइफ में अगर डिफरेंस लाया है, कोई फ़र्क लाया है, टू एनीवन, डन गुड टू एनीवन, विच वुड विन गॉड्स अप्रूवल। यहाँ पे द पोएट इनडायरेक्टली मीन्स दैट ईच डे वी लिव
वी मस्ट मेक अवर लिविंग यूजफुल. वी आर नॉट श्योर इफ वी शैल वेक इन द नेक्स्ट मॉर्निंग और वी विल लीव टुमारो. मे बी वी एक्सपायर इन द नाइट. हो सकता है रात में हमारा इंतकाल हो जाए, है ना. लेकिन खुदा क्या सोचता है, खुदा क्या बोलता है, वी प्रे वी डू. हम ये सोचते हैं कि हम कल उठेंगे, बट फॉर गॉड टू ग्रांट अस वन मोर टुमारो. हम ये सोच कर सोते हैं कि अल्लाह ताला ज़रूर हमको एक दिन और देगा. सो डिड वी पुट टुडे टू यूज़, क्या हमने आज का दिन का यूज़ किया है. डिड वी हेल्प एटलीस्ट वन फेलो ह्यूमन बींग, क्या हमने एक इंसान की मदद की है कम से कम. डिड वी एक्सटेंड द हेल्प विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी रिटर्न, क्या हमने किसी की बेलौस खिदमत की है. डिड एटलीस्ट अ सिंगल पर्सन फील ग्रेटफुल और थैंकफुल फॉर आवर एक्ट ऑफ हेल्प, क्या किसी एक शख्स ने हमारे किसी काम के करने पर हमारा मशकूर व ममनून हुआ है. इफ़ नथिंग, अगर ऐसी बात नहीं है तो वी कैन मेक द एफर्ट टू स्पीक ए काइंड वर्ड टू द स्ट्रेंजर. वी मे पास बाय इन आवर डेली हर. सो वन हैज़ लिव माइंडफुली, हमने कैसे ज़िंदगी गुजारना चाहिए. अनसेल्फिशली, बेगरज, बेतलब. एंड लुक फॉर वेज टू बी टू हेल्प टू समवन इन नीड, कि हमने ज़रूरतों मंदों की मदद करना चाहिए. डैट इज़ द मिनिमम एक्सपेक्टेशंस ऑफ गॉड, ये कम से कम तवक्कात खुदा की हमसे हैं. और टू हैव लिव्ड एज ए ह्यूमन वुड बी फ्यूटाइल, अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारी ज़िंदगी फिर बेकार होगी, नाकाम होगी. ओके, नेक्स्ट है द पोएट सजेस्ट डैट वन शुड डू गुड टू अदर्स. शायर कहता है कि हमने दूसरों के लिए अच्छा काम करना चाहिए. कंप्लीट द टेबल बाई गिविंग एग्जाम्पल्स ऑफ डूइंग गुड टू फॉलोइंग पीपल. ओके, यहाँ पे हमको एग्जाम्पल्स देकर डूइंग गुड टू फॉलोइंग पीपल, यानी नीचे जो लोग दिए गए हैं इनके बारे में हमको क्या क्या अच्छा करना है. जैसे फैमिली मेम्बर्स हैं उनके लिए हमको क्या क्या अच्छा करना चाहिए, हमारे फ्रेंड्स के लिए हमको क्या अच्छा करना चाहिए, हमारे नेहबर्स के लिए हमको क्या अच्छा करना चाहिए, है ना. तो फैमिली मेम्बर्स के लिए हमको क्या करना चाहिए, वी शुड लव आवर फैमिली मेम्बर्स एंड वी शुड हेल्प इन देयर हाउस होल्ड इन डोमेस्टिक टास्क एंड वर्क्स एंड वी शुड टेक केयर ऑफ आवर फैमिली मेम्बर्स. इफ दे आर सिक, दे आर इल, वी शुड टेक देम टू द हॉस्पिटल, है ना. वी शुड कीप देम हैप्पी. ओके, फ्रेंड्स के लिए हमने क्या अच्छा काम करना चाहिए, वी शुड सपोर्ट आवर फ्रेंड्स, वी शुड बी ऑनेस्ट, वी शुड हैव ऑनेस्ट एटीट्यूड फॉर योर फ्रेंड्स, वी शुड ऑलवेज रेडी टू हेल्प आवर फ्रेंड्स इन एनी डिफिकल्ट सिचुएशन. ओके, हाँ, बिकॉज ए फ्रेंड इन नीड इज़ ए फ्रेंड इन डीड. ओके, दोस्त वही जो अच्छे मुश्किल में काम आए. और नेहबर्स के साथ हमने क्या अच्छा काम करना चाहिए, पड़ोसियों के साथ, वी शुड बी हेल्पफुल टू आवर नेहबर्स, वी शुड बी रिस्पेक्टफुल टू आवर नेहबर्स, वी शुड ऑलवेज कोऑपरेट एंड हेल्प आवर नेहबर्स, वी शुड नेवर नेगलेक्ट देयर ओपिनियंस एंड वी शुड हैव म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग विथ आवर नेहबर्स. हमने उनके साथ अच्छी सोच रखना चाहिए, उनकी इज्जत करना चाहिए, उनके काम करना चाहिए, है ना. पड़ोसियों से लड़ते हैं क्या आप, है ना. 100 में से 90 लोग अपने पड़ोसियों से लड़ते हैं, है ना. नहीं लड़ना चाहिए, अच्छी बात नहीं. चलिए, चैनल आपने सब्सक्राइब किया कि नहीं किया अभी तक, कि आप वैसे ही पढ़ रहे हैं. चैनल सब्सक्राइब करने का फ़ायदा क्या होता है पता है, ऑटोमेटिक आपको नोटिफिकेशन आ जाता है, इसलिए आप सब्सक्राइब कीजिए, पहले कीजिए. ओके, A3 में क्या है, पिक आउट द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम एंड एड अ नाउन ऑफ योर ओन, वन इज़ डन फॉर यू. हाँ, यहाँ पे देखिए, हमने आपको शुरुआत से पोएम में, अगर आप वीडियो नंबर 1 में देखेंगे तो आपको डिस्क्राइबिंग जो वर्ड्स हैं वो पढ़ाए हैं. ओके, जैसे टॉयलिंग को यहाँ पे टाइम जोड़ा गया है ना, टॉयलिंग टाइम. तो इस तरह से डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हम जोड़ें, नाउन उसको हम जोड़ें, जैसे हैप्पियर एनीबडी, चीयरफुल ग्रीटिंग, चर्लिश हाउडी, ग्रेटफुल समवन, काइंडली वर्ड, रिजॉइसिंग हार्ट, स्लीपिंग डेज, फेडिंग
होप्स, हाँ ये सब क्या है, ये थे हमने अपनी अपने नाउन इसको ऐड करके आपको बताए हैं, है ना। ओके, वरना डिस्क्राइबिंग वर्ड्स जो है हमने आपको शुरुआत में पोएम के साथ पढ़ाए हैं। अभी हमारे पढ़ाएंगे तो बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट है मैच द वर्ड्स गिवन इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग इन कॉलम बी। कॉलम ए में कुछ लफ्ज़ है, कॉलम बी में कुछ उसके मीनिंग है। जैसे चीयरफुल, चीयरफुल का मतलब क्या होता है, हैप्पी, ओके हाँ खुश। उसके बाद सेल्फिश का मतलब क्या होता है, खुदगर्ज, कंसर्न विथ वंस ओन प्लेजर, जो खुद की ही खुशी देखता हो, हाँ बस मेरा मेरा मेरा, उसको सेल्फिश बोलते हैं, खुदगर्ज। और तीसरा है सोरली, सोरली यानी विद द फीलिंग ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, मायूसी, नर्वसनेस की फीलिंग, है ना। और चौथा है डिसकंटेंट, लैक ऑफ सेटिस्फेक्शन, जिसको इत्मीनान नहीं होता, है ना, गैर मुतमईन। ओके, तो आपको एग्ज़ाम में मैच द फॉलोइंग आएगा तो आप उसके सामने उसका करेक्ट ऑप्शन लिखना चाहिए, उसको ऐसा एरो नहीं कर देना चाहिए, एरो करने से मार्क नहीं मिलते हैं। ओके, देन आ जाइए, देयर आर अ फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ होमोनिम्स इन द पोएम। बच्चों हमने आपको होमोनिम पढ़ाए हैं, है ना, होमोनिम पढ़ाए ना। स्टार्ट में हमने आपको बताए हैं कि बहुत सारे अल्फाज पोएम में ऐसे आ रहे हैं जो होमोनिम्स हैं, जैसे स्पोक, है ना, स्पोक के लिए कहना, अटर कहना, सेड कहना, ग्रीट कहना, से कहना। ओके, तो ये हो गए सारे के सारे हम मानी अल्फाज, है ना। इसी तरह होमोनिम पास्ड, पास्ड है, पास्ड इन द एग्जामिनेशन, है ना, और वेंट पास्ट, लेफ्ट बिहाइंड, ये भी होमोनिम है। इस तरह से और कई होमोनिम हमने आपको बताए हैं, तो ये आप याद रखिए। जैसे होमोनिम हमने डीड का बताए हैं, सेकंड स्टेजम पे फोर्थ लाइन है, डी डबल ई डी, डीड। डीड का मतलब होता है कारनामा एंड एक्शन, और डीड का मतलब क्या होता है, लीगल डॉक्यूमेंट, है ना, कोई कानूनी कागज़, उसको डीड कहते हैं, है ना। हाँ, जैसे हम ख़रीदी करते हैं ना प्लॉट की, है ना, हाँ तो उसको सेल डीड कहते हैं, क्या कहते हैं इंग्लिश में, सेल डीड, वो भी एक डीड हुआ। और यहाँ पे पास्ड हिज वे, तो पास्ड, पास्ड भी होमोनिम है। एक तो पास हम एग्जामिनेशन में होते हैं, और दूसरा पास्ड हमारे बाजू से कोई जाता है, वो भी पास्ड कहलाता है। तो यहाँ पे होमोनिम्स इस नज़्म में बयान किए गए हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, फाइंड आउट एक्सप्रेशंस फ्रेजेस विच डिनोट गोइंग अवे फ्रॉम ईच स्टेंजा। मतलब यहाँ पे इस्तेलाहत, एक्सप्रेशंस यानी इस्तेलाहत और फ्रेजेस हमको देखना है, विच डिनोट, जो बताते हैं, क्या बताते हैं, गोइंग अवे फ्रॉम ईच स्टेंजा, है ना। हमने शुरुआत में आपको, देखिए आप वीडियो देखना, हमने आपको बताए थे कि हर स्टेंजा में गोइंग अवे के लिए बहुत सारे लफ्ज़ हैं। गोइंग अवे यानी चला जाना, गुजर जाना। देखो पहला है, पहले स्टेंजा में इसके लिए आया है इज ऑलमोस्ट ओवर, चला गया। दूसरे स्टेंजा में आया है पास्ड हिज वे, चला गया। तीसरे स्टेंजा में सॉरी स्टेंजा वन में पास्ड हिज वे है, स्टेंजा वन में ही इज ऑलमोस्ट ओवर है, है ना, तकरीबन जो दिन चला गया। चौथे दूसरे स्टेंजा में है वैनिश इन द थ्रॉन्ग, आप भीड़ में चले गए यानी खो गए। फिर सेकंड स्टेंजा में है रश्ड अलोंग, है ना, तेज़ी से गुजर गए यानी चला गया। और स्टेंजा नंबर थ्री में है वेयर फेडिंग नाउ, और अब धीरे धीरे जा रहा है। तो सारे के सारे जो अल्फाज है ना, ये क्या डिनोट करते हैं, क्या बताते हैं, गोइंग अवे, जाना। ओके, एक बार वो सुन लीजिए, इज ऑलमोस्ट ओवर, गोइंग अवे, पास्ड हिज वे, गोइंग अवे, इज ऑलमोस्ट ओवर, गोइंग अवे, वैनिश इन द थ्रॉन्ग, गोइंग अवे, रश्ड अलोंग, गोइंग अवे, वेयर फेडिंग नाउ, गोइंग अवे। ओके, चलिए,
उसके बाद द पोएट हैज़ यूज डिफरेंट पोएटिक डिवाइसेस लाइक एलिट्रेशन एंड इंटरोगेशन इन द पोएम, आइडेंटिफाई देम एंड पिक आउट द लाइन्स. अब ये आपको होमवर्क, क्योंकि हमने पढ़ाते पढ़ाते आपको बताए हैं कि इंटरोगेशन वाली कौन कौन सी लाइन्स इसमें हैं. हमने आपको बताया कि पोएम की टोटल लाइन 16 है, 16 में से 11 लाइन में फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है, इंटरोगेशन है, जिसमें आखिरी में सवालिया निशान लगा हुआ है. ओके हाँ, अब आप ये खुद से लिखिए, नोट्स बनाइए. और एलिट्रेशन भी हमने आपको बहुत सारे बता दिए हैं, है ना, जैसे टॉयलिंग टाइम है ना, TT. हाँ, तो एलिट्रेशन की स्पेलिंग याद कर लेना, LLITERATION, है ना. उसके आगे जैसे टॉयलिंग टाइम वाली लाइन आई तो आपको एग्जांपल लिखना पड़ेगा, दिस डे इज ऑलमोस्ट ओवर एंड इस टॉयलिंग टाइम इज थ्रू इज इक्वल टू एलिट्रेशन, है ना. तो अब इसमें क्या रिपीट किया हुआ है, टी इज रिपीटेड प्लीजिंगली. क्या लिखना उसकी डेफिनेशन, टी इज रिपीटेड प्लीजिंगली. जो भी लफ्ज हो रहा रिपीट हो रहा है उसको आप लिखना, जैसे सोरली स्पेंट, इसमें क्या रिपीट हो रहा है, एस, सोरली का एस और स्पेंट का एस, तो क्या लिखेंगे, एस इज रिपीटेड प्लीजिंगली. ओके हाँ, तो ये आप एलिट्रेशन और इंटरोगेशन अच्छे से कर लीजिए. ओके आगे आइए, द राइम स्कीम ऑफ द फर्स्ट स्टैंजा इज AABB, बताए थे ना हमने आपको, देखिए, वे टुडे, AA, थ्रू यू, BB, है ना. फाइंड द राइम स्कीम ऑफ अदर स्टैंजास, दूसरे स्टैंजास की भी राइम स्कीम यही है बच्चों. देखिए सेकंड स्टैंजा में अलोंग थ्रोंग, AA, वे टुडे, BB. तीसरे स्टैंजा में आ जाइए, फास्ट पास्ट, AA, सेड अहेड, BB. चौथे स्टेंजा में आ जाइए, स्पेंट डिसकंटेंट, AA, से टुडे, BB. तो चारों स्टेंजा में राइम स्कीम जो है वो AABB है. ओके राइमिंग वर्ड्स हमने आपको बता दिए हैं. चलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस समय का क्या आता है, राइट एन एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम कंसीडरिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स. अब हमको नज़्म का क्या लिखना है, एप्रिसिएशन. एप्रिसिएशन हमने टेंथ में भी किया था, है ना, आपको याद है ना. हाँ, अभी ट्वेल्थ में भी हमको एप्रिसिएशन के क्वेश्चन आता है. तो नज़्म का हमको एप्रिसिएशन देखना है. एप्रिसिएशन में क्या आ जाता है, पूरा का पूरा नज़्म का तनकीदी जायज़ा आ जाता है. ओके हाँ, क्रिटिकल एप्रिसिएशन भी इसमें आ जाता है कि नज़्म काय के बारे में है, उसके बाद थीम कौन सी है उसकी, अबाउट द पोएम, पोएट कौन सा है, टाइटल कौन सा है, उसकी थीम है ना, हमने थीम भी बताया आपको, उसकी खुलासा क्या है, पोएटिक डिवाइसेस कौन कौन सी यूज़ की हुई हैं, उसकी लैंग्वेज कितनी सिंपल है, स्टाइल कितनी है, कैसी है, स्पेशल फीचर्स क्या है, टोन क्या है, उसकी टाइप क्या है, उसमें वैल्यूज़ और मैसेज कौन कौन से हैं, और योर ओपिनियन अबाउट द पोएम, और आपकी इस पोएम के बारे में क्या ओपिनियन है ना. सो अबाउट द पोएम में क्या लिखेंगे हम, द पोएम इज दिस पोएम, हैव यू अर्न योर टुमारो, है ना, इज अ टाइटल ऑफ द पोएम एंड द पोएट इज एडगार गेस्ट. ओके दिस पोएम इज अपलिफ्टिंग पोएम, इंस्पिरेशनल एंड मोटिवेशनल पोएम. ओके व्हाट इज द थीम, व्हाट इज द मैसेज, थीम क्या है, वंस लाइफ इज मीनिंगफुल ओनली इफ इट इज यूजफुल फॉर ह्यूमैनिटी एट लार्ज, कि हमारी जिंदगी उसी वक्त यूजफुल हो सकती है जब हम उसको इंसानियत के फायदे के लिए इस्तेमाल करें. ओके हाँ, जैसे सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड, इंसान की खिदमत करना खुदा की खिदमत करना है. तो यहाँ पे द पोएम इज इन वेरी सिंपल स्टाइल एंड द टोन इज ऑप्टिमिस्टिक टोन. कैसी टोन है, ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक यानी पुरउम्मीद है. हाँ, दिस इज एन इंस्पिरेशनल पोएम, हौसला देती है ना. हाँ, इन दिस पोएम द स्पीकर इज आस्किंग द रीडर्स, क्या पूछ रहा है रीडर्स से, वेदर दे हैव डन एनीथिंग टू इम्प्रूव द लाइफ ऑफ अनदर ह्यूमन बींग और नॉट, है ना, यही कह रहा है ना. हाँ, कि भाई आपने
द पोएट एडगर गेस्ट इज द राइटर ऑफ दिस इज द पोएट ऑफ दिस पोएम एंड हैव यू अर्न यूर टुमारो इज ए पोएम. इट इज़ ए थॉट प्रोवोकिंग पोएम, है ना. द टाइटल इट सेल्फ पुशेज अवर माइंड टू वंडर इफ टूडे वी हैव डन समथिंग यूजफुल, कि आज हमने कुछ अच्छा किया है क्या. ओके हाँ. सो द पोएट पुट फॉरवर्ड मेनी क्वेश्चंस इन द फॉर्म ऑफ इंटेरोगेशन. ओके हाँ, हर क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि देर इज इंटेरोगेशन इन 11 लाइन्स इन द 16 लाइन पोएम. सो द लैंग्वेज इज़ वेरी सिंपल. देर इज एलिट्रेशन, देर इज इंटेरोगेशन, ओके एंटीथेसिस, है ना. द पोएम हैज़ फोर स्टेंजास ऑफ फोर लाइन्स ईच. द फर्स्ट स्टेंजा हैज़ फोर लाइन्स, है ना, ईच हैविंग 14 सिलेबल्स. द सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ स्टेंजा ऑल्सो हैव विथ फोर लाइन्स हैव 15 सिलेबल्स ईच. सो द क्लियर मैसेज ऑफ द पोएम इज वंस लाइफ इज मीनिंगफुल ओनली इफ इट इज़ यूजफुल फॉर ह्यूमैनिटी एट लार्ज. सो द पोएट सेज वंस कॉन्शियंस हैज टू नो दैट योर एग्जिस्टेंस इज जस्टिफाइड और वन कैन नॉट फील he has the right to ask for any more day of life. It is an uplifting poem. We can take the message and begin implementing it in our life also immediately and every day. So very inspirational poem. And what we learn from the poem, the values, the message is very special, that we should be very optimistic. We should have optimistic attitude for others. The message of the poem is live and let live. Yes, live and let live. Jiyo aur jeene do. What is our opinion of the poem? That we should have a clear and beneficial outlook for others. Okay, chaliye. आगे हम प्रिपेयरिंग माइंड मैप ऑन हाउ टू प्लान अ गोल फॉर टुमारो. हाँ, कल के लिए क्या प्लान करना है, इसका माइंड मैप जो है हमको बनाना है. ओके तो माय फ्यूचर गोल, ये जो है उसका माइंड मैप का वो होगा, मीन्स टॉपिक होगा. टेक द हेल्प ऑफ द पॉइंट्स गिवन इन राइटिंग स्किल सेक्शन फॉर प्रिपेयरिंग ए माइंड मैप. अब ऊपर हम क्या करेंगे, माय फ्यूचर गोल ऐसा बॉक्स में लिखेंगे और माइंड मैपिंग में हम क्या करेंगे, ट्री डायग्राम टाइप बनाएंगे. जैसे मेरा फ्यूचर गोल क्या है, टू सिक्योर 95% मार्क्स इन HSC. ओके फिर सेकेंड मेरा फ्यूचर गोल क्या है, टू स्टडी इंग्लिश लिटरेचर. ओके तो तीसरा, वाई स्टडी इंग्लिश लिटरेचर, टू अपियर फॉर सिविल सर्विसेज एंट्रेंस एग्जाम, UPSC के एग्जाम में देना चाहूँगा. ये सब बॉक्स में लिखेंगे, है ना, माइंड मैपिंग हो रही ना आगे. हाँ, और चौथा, सिविल सर्विसेज में आप क्यों जाना चाहते हैं, आई वॉन्ट टू सर्व द नेशन, मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं. तो ये हो गया माइंड मैपिंग. ओके हाँ, इस टाइप से. या फिर हाउ टू मीन्स प्लान ए गोल फॉर टुमारो, यहाँ पे है. हाउ टू प्लान ए गोल फॉर टुमारो का माइंड मैपिंग कैसे होगा, कि कल के लिए आपका क्या गोल रहेगा. आई विल वर्क हार्ड ऑन ए डेली बेसिस, पहला है ना, बहुत मेहनत से काम करेंगे. सेकेंड, गेट एटलीस्ट 95% मार्क इन HSC में 95% मार्क लेंगे, है ना. देन थर्ड, आई विल अपियर फॉर UPSC एग्ज़ाम्स आफ्टर ग्रेजुएशन, आई विल अपियर फॉर ग्रेजुएशन. फोर्थ, आफ्टर ग्रेजुएशन आई विल अपियर फॉर UPSC एंट्रेंस एग्ज़ाम एंड देन एंटर कहाँ, सिविल सर्विसेज, है टू सर्व द नेशन. हाँ, IAS बनेंगे, IPS बनेंगे इंशाल्लाह. हाँ, आप जो है IAS और IPS भी बनिए. ओके चलिए, राइट ए सेट ऑफ 8 to 10 इंटरव्यू क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड टू ए सोशल वर्कर.
है ना, सोशल वर्कर है कोई, उसको आप 8 से 10 इंटरव्यू क्वेश्चन आपको लिखना है। तो बच्चे इंटर क्वेश्चन हमने आपको क्लास में पढ़ाए हैं, है ना। हाँ, जैसे आपने याद भी किए थे उसको एक बार और अच्छे से याद कर लीजिए, है ना। जैसे हाउ डू यू एंटर इन दिस फील्ड, है ना, हु इज़ योअर रोल मॉडल, व्हाट इज़ योअर, व्हाट आर योअर फ्यूचर प्लान्स, यस, हाँ, व्हाट आर योअर अचीवमेंट्स, व्हाट आर योअर हॉबीज, यस, हाँ। एक सोशल वर्कर से आपको क्वेश्चन पूछना है तो वेयर डिड यू स्पेंड योर चाइल्डहुड, आपने अपने बचपन कहाँ गुजारा, है ना। फ्रॉम वेयर डिड यू गेट योर एजुकेशन, यस, हाँ। हाउ मेनी व्हाट डिफिकल्टीज डू यू फेस इन योर लाइफ, है ना। व्हाट आर योर अचीवमेंट्स, व्हाट इज़ योर मैसेज टू न्यू जनरेशन, व्हाट इज़ योर मैसेज टू पॉलिटिशियंस, व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स, है ना, हाँ। हाउ डू यू सर्व द सोसाइटी, यस। तो सिंपल सिंपल क्वेश्चंस, है ना, इंटरव्यू क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं, बल्कि सिंपल क्वेश्चंस आप बनाना सीखिए, ओके। और जो हमने आपको पढ़ाए हैं वो भी, उसको भी याद कीजिए, ओके। बहुत सारे बच्चों ने याद कर लिए हैं, है ना, हाँ। चलिए अब हम किस किस ने याद किया है वो हम वीडियो में नाम भी ले सकते हैं उनके, हमारी क्लास के बच्चों के, लेकिन वीडियो पूरे महाराष्ट्र में वायरल हो रहा है, इसलिए हम उनको क्लास में शाबाशी दे देंगे, हम उनके राइटिंग स्किल का जो जो हमने पढ़ने को दिए हैं उनको, है ना। हाँ, हमारे शमी माजद के जो बच्चे हैं उनको हमने सारा राइटिंग स्किल का याद करने के लिए दिए हैं। तो ज़रूर है कि जिस दिन कॉलेज खुलेगा उस दिन इंशाल्लाह वो हमको याद करके बताएंगे, ओके। नेक्स्ट क्या है, कंपोज 4 to 6 लाइन्स ऑन योर ओन ऑन गुड डीड्स, है ना। अच्छे कामों पर 4 लाइन आपको लिखकर बताना है, है ना? तो खुद से लिखिए, खुद से लिखिए 4 लाइन पोएट्री की, हाँ। गुड डीड्स आर फॉर एवर, है ना, एंड बैड डीड्स आर फॉर नेवर। कितना शॉर्ट बोल दिया हमने एक ही मिनट में। गुड डीड्स आर एडमायरेबल एंड बैड डीड्स आर, यस, व्हाट, बैड डीड्स आर नॉट एक्सेप्टेबल, है, ऐसा लिखिए, हाँ। पीपल फॉलो अवर गुड डीड्स एंड पीपल नेवर फॉलो अवर बैड डीड्स। गुड डीड्स आर मेमोरेबल एंड गुड डीड्स आर ऑलवेज एक्सेप्टेबल, ओके, हाँ। अवर गुड डीड्स डिसाइड अवर प्लान्स, अवर गुड डीड डिसाइड अवर फ्यूचर, ओके। नेक्स्ट क्या है, फाइंड आउट डिफरेंट कैरियर अपॉर्चुनिटीज इन द फील्ड ऑफ सोशल वर्क, है ना। सोशल वर्क में बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसके बारे में आपको ढूंढना है। जैसे सोशल वर्क में आप, सोशल वर्क में टीचर बन सकते हैं, है ना, डॉक्टर बन सकते हैं। और सोशल कैटेगरी कौन सी कैटेगरी होती है बच्चों, जिसमें इंसान का कांटेक्ट पब्लिक से आए, है ना। ह्यूमन जो डोमेन है, ह्यूमन जो पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, उसको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है जनरली, जैसे इंटेलेक्चुअल, प्रैक्टिकल, सोशल, एस्थेटिक और एथलेटिक, है ना, हाँ। तो यहाँ पे सोशल कैटेगरी का जिक्र हो रहा है, तो आप टीचिंग, है ना, ये एक है, नर्सिंग है, है ना? और ये है हमारे लीडर्स हैं, ये भी सोशल होते हैं। तो ये सारे के सारे फील्ड आप इंटरनेट पर देखिएगा। नेक्स्ट है, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ द NGOs वर्किंग फॉर द अनप्रिविलेज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। समाज के बहुत ही अनप्रिविलेज, दबे कुचले हिस्से के लिए कुछ NGOs काम करते हैं, है ना, उनकी इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कीजिए। आपने सुना होगा बच्चों नाम सोनू सूद का, है ना, सोनू सूद का नाम सुना होगा ना। कौन है ये सोनू सूद? बॉलीवुड इंडस्ट्री का बहुत बड़ा स्टार है, जिसने लॉकडाउन के पीरियड में हज़ारों नहीं बल्कि लाखों माइग्रेंट्स, जो मज़दूर थे ना बेचारे, जिनकी कोई हेल्प नहीं कर रहा था, उस सोनू सूद ने अब NGO बनाकर, अपने बच्चे रखकर, अपने लड़के रखकर, उन
मज़दूरों को रेलवे का टिकट दिलवाया, उनको खाने के पैकेट दिए, उनको बिस्किट के पैकेट दिए, उनको पानी दिया, उनका गाड़ियों का इंतज़ाम करवाया। तो ये NGOs होते हैं, है ना, नॉन गवर्नमेंट जो होते हैं, ऑफिसर्स टाइप होते हैं। तो हम भी बड़े पढ़े लिखे बहुत अब बड़े इंसान बने, NGO बने और मुल्क के और कौम के हमारे काम आए। बच्चों हमारी कौम को हमारी बहुत ज़रूरत है। आपको नहीं लगता क्या कि जब हम पढ़ेंगे लिखेंगे तो जो जिस तरह से हमारा आज हाल हो रहा है ना, तो ये सिर्फ हमारा पढ़ाई में पीछे रहने की वजह से हो रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि आपकी आगे आने वाली नस्लें, आपकी जनरेशंस बहुत पढ़ें लिखें, अल्लाह की रस्सी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खूब फरमान को माने, अहकाम को माने, अपने बड़ों की बातों को माने, अपने टीचर्स की बातों को माने और हर काम में तरक्की करें। ओके, हाँ वो था ना, एवरी डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। इसी बात को तो बताया गया है ना, हैव यू अर्न योर टुमारो में, कि आपका आज अच्छा तो आपका कल अच्छा। बच्चों हम गरीब हो सकते हैं लेकिन गरीबी हमारे पढ़ाई में आड़ नहीं आती है, रुकावट नहीं बनती है। कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनके घर में लाइट तक नहीं है लेकिन वो आज बड़े बड़े आला अफसर बने हुए हैं। तो हमारे पास अगर किताब नहीं है तो हम ये सोचते हैं कि हमारे पास किताब नहीं, हम नहीं पढ़ेंगे, है ना। हाँ किताब लीजिए, बुक्स लीजिए, हम हमारे दूसरे कामों के लिए तो काफ़ी पैसे खर्च करते हैं, किताब और दूसरे रेफरेंस बुक हम नहीं ख़रीदते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है बच्चों। तो उम्मीद है कि बच्चों आपको हैव यू अर्न योर टुमारो ये पोएम पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी और इंशाल्लाह आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और इस पर अमल भी करेंगे, अपने पेरेंट्स की खूब खिदमत करेंगे। अपने पेरेंट, आपके पेरेंट आपकी जन्नत है बच्चों, है ना। यस, आपकी मदर आपकी जन्नत है, आपकी मदर आपकी फ्रेंड है, वो आपकी जन्नत है। हाँ आपके फादर आपकी जन्नत का दरवाज़ा है। तो ये सारी चीज़ें तो हमारा बेसिक है बच्चों। तो बहुत अच्छे आप बच्चे हैं, आप बहुत तरक्की करो, ऐसी हम दुआ करते हैं। और इस वीडियो को बनाते टाइम हमको काफ़ी रात हो चुकी है, अभी एक बज चुका है, इसलिए हम आपसे इजाज़त लेते हैं इस उम्मीद के साथ कि आप बहुत अच्छी स्टडी करके बहुत अच्छे इंग्लिश में मार्क्स लेंगे। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।